हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। खुशखबरी क्या, अब आपके दिल की धड़कनें तेज होने वाली हैं, क्योंकि आपके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, खासतौर पर बीएड फर्स्ट ईयर, क्योंकि दिल की धड़कनें डेफिनेटली तेज हो गई होंगी। घबराहट, इंस्टाग्राम डिलीट हो गया होगा, फेसबुक पे लॉग आउट हो गया होगा, इस समय स्टेटस लग गया होगा इट्स स्टडी टाइम, नो डू नॉट डिस्टर्ब। जो भी हो, बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए ये है, एक न्यूज़ आपके लिए ये है, वो ये है दोस्तों कि विश्वविद्यालय ने आपका एग्जाम सेंटर डिसाइड करके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर कर दिया है। तो आइए जरा देखते हैं कि किस कॉलेज का एग्जाम सेंटर कहाँ गया है, आप किस कॉलेज से हैं और आपका सेंटर कहाँ गया है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे, देखेंगे कि आपका सेंटर कहाँ गया है। साथ ही साथ आप भी रुको बाबू, अच्छा ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप भी देखते चलिए और बताते चलिए कि आपका सेंटर कहाँ गया है और आप कौन से कॉलेज से हैं, ये भी आप हमें सूचना देते रहिए, ताकि हमें भी तो पता चले कितने बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर गया है और किस बच्चे का सेंटर कहाँ पर गया है, कितने लोग वहाँ पर आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो ये रहा दोस्तों वो लिस्ट जहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि आपकी जो 8 तारीख की पेपर होने वाली है उसका दोस्तों आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो कॉलेज है 1 से लेके 5 तक के कॉलेजेस हैं, इनका सेंटर कैंपस में ही रहेगा। तो अगर आप भाग्यवंती देवी देवता सिंह महाविद्यालय से हैं, या फिर BNS गर्ल्स डिग्री कॉलेज अयोध्या से हैं, या फिर डॉक्टर लोहिया महिला विद्यालय से हैं, या फिर कैलाशपति शिक्षण एवं प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय से हैं, तो ये इनका सेंटर आपके अवध विश्वविद्यालय के कैंपस में रहेगा। सबसे ज़्यादा बच्चों का जो सेंटर गया है वो साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या में, साकेत में गया है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि इतने बच्चों का जो कॉलेज सेंटर है वो यहाँ पर साकेत में गया है, ठीक है। तो आपका कॉलेज अगर इस लिस्ट में है तो चेक करिए, जैसे कि श्री परमहंस शिक्षण कॉलेज, श्याम नारायण उर्मिला गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग, देश दीपक आदर्श शिव सावित्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट हाजीपुर, श्री परमहंस गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हिमांशु विक्रम सिंह इंटर कॉलेज, शिव कला बुद्ध शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, गंगारथी टीचिंग एंड बाबा हरदेव महादेव और HL टीचर्स ट्रेनिंग, कृष्णा PR कॉलेज, मनीराम वर्मा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फूलपति कॉलेज और श्री साईं कृपा। तो इन सब कॉलेजेस का कहाँ गया है, साकेत में। अभी कुछ और कॉलेजेस हैं जिनका साकेत में गया है, जैसे कि ये कॉलेजेस हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे MGS स्मारक प्रशिक्षण महाविद्यालय, खास तौर पे जो बच्चे इस महाविद्यालय से हैं वो कमेंट जरूर करेंगे, इस महाविद्यालय के बच्चे एक बार जरूर कमेंट करके बता देंगे। बाकी और भी जैसे जैसे मैं नाम ले रहा हूँ महाविद्यालयों की, तो आप बताते जाइए कि क्या आपका सेंटर कहाँ पे गया है, ताकि आपके देखें आपके कोई साथी यहाँ पे यूट्यूब पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो MGS का भी सेंटर साकेत गया हुआ है, और अकला हसन कॉलेज का भी साकेत में है, सरस्वती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय का भी साकेत में है, पार्वती गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ का भी साकेत में है, आदर्श महिला विद्यालय का भी साकेत में है, शिव कुमारी महिला विद्यालय का भी साकेत में गया है, और माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय। दोस्तों इस बार पिछले बार की तुलना में बहुत ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं। टोटल अगर आप देखेंगे 133 सेंट परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बाराबंकी में भी परीक्षा केंद्र है दोस्तों, बाराबंकी, ये इस बार परीक्षा केंद्र अच्छे खासे बनाए गए हैं और कोई भी असुविधा नहीं होगी बच्चों को, ठीक है। अंबेडकर नगर में भी परीक्षा केंद्र है दोस्तों, अंबेडकर नगर आप देख सकते हैं। तो आप किस कॉलेजेस हैं, जैसे तमाम ये कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं, तो वो कॉलेजेस हैं जहाँ पे अंबेडकर नगर में माननीय फूलपति देवी महिला, इस बार सेंटर की संख्या काफ़ी अच्छा दी गई है, कई जगह पे सेंटर बनाया गया, जो कि बच्चों के सुविधा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको ट्रैवल कम करना पड़ेगा। 123 टोटल परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपका परीक्षा केंद्र कहाँ है, आप कौन से कॉलेज में हैं, एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र कहाँ पे है, और दोस्तों बस अब तो थोड़े से समय बचे हैं, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते पढ़ाई करिए, क्या ही फ़ायदा। मैं आप सबको एक और खबर दे दूँ, देखिए
अयोध्या में एक बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ है नाका पे, पढ़ाई तो होती रहेगी, आइए जरा मेला घूमते हैं। दुबई को कॉपी किया गया है, वहाँ पे बुर्ज खलीफा बनाया गया है दोस्तों। क्या झूले लगे हैं, क्या लाइट लगे, ओह हो, क्या पानी पूरी बतासे, क्या छोले, क्या टिक्की, उफ मज़ा आ जाएगा खा के। बस आइए जरा घूमते हैं, मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, क्या ये पढ़ाई तो होता रहेगा, चलता रहेगा। क्या बात करते हैं यार। तो दोस्तों यही अपडेट थी आपकी कि आपके सेंटर यहाँ पे डिसाइड कर दिए गए हैं, तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि कौन से कॉलेज में आपका सेंटर गया है और कौन से सेंटर में आपका कॉलेज गया है, कौन से कॉलेज से आप हैं। चलो एक काम करेंगे, एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद किसी एक दिन डिसाइड करके अपन उस मेला में चलते हैं, सभी लोग मेले में चलेंगे और घूम के पार्टी शार्टी कर लेंगे, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो वो चीज़ें ग्रुप में बात की जाएगी उसके बारे में। तो दोस्तों नहीं जुड़े आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप प्लेलिस्ट पे जाके जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखा करिए। अब इतना टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना पढ़ा आपने पढ़ा, एक बार हल्का फुल्का देख लीजिए, बस ज़रूरी नहीं है कि आप खुद को याद करें, नहीं समझ जाइए कि टॉपिक क्या है, उसको लिखना कैसे, उस आधार पर लिख के आइएगा। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, कुछ ट्रिक है या फिर कुछ मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि कैसे आपको परीक्षा देनी चाहिए, कैसे आपको कॉपी लिखना चाहिए, उसको फॉलो करिएगा। टेंशन मत लीजिए, पेपर ख़राब नहीं होगा, नंबर अच्छे आएंगे, काफ़ी अच्छे से पेपर होता है, आप आराम से बस लिख के आइए, जो समझ में आए वो लिख के आइएगा, उस पर बात होगी। फिलहाल आपको चिंता नहीं करना, फिलहाल इस PDF को देख लीजिए। मैं चलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से मैं आपको स्क्रीनशॉट दिला देता हूँ, तो आप 1 by 1 करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वो भी ज़्यादा सही हो जाएगा। बाकी मैं जो बच्चे ग्रुप में हैं उनको ऑलरेडी मिल चुका है, वो बच्चे आपस में ही शेयर कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी एक्टिव बच्चे हैं। तो जिन बच्चों को नहीं मिल पाया है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्या अगर आपका, देखिए क्या ये इसमें कोई आपका कॉलेज हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, जैसे ये भी ले लीजिए, क्या अगर इसमें आपका कोई कॉलेज हो, स्क्रीनशॉट आप देते चलिए, और देखिए और बताइए कि कौन सा कॉलेज आपका है। चलिए बहुत सही, ओके, गोंडम बेबी सेंटर है दोस्तों, काफ़ी अच्छा, इस बार 133 परीक्षा केंद्र यहाँ पर निर्धारित किए गए, जो कि बहुत अच्छी बात है बच्चों की सुविधा के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये टोटल एग्ज़ाम सेंटर हुए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, चिंता ना करिए, टेंशन मत लीजिए, जो भी पढ़ा है आपने, खासतौर पर BEd फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं, इतना टेंशन नहीं लेना है, अब तो बहुत कम समय बचा है, जो भी समय बचा है रिलैक्स होके काम होके दीजिए। अभी जो फर्स्ट पेपर है आपका नॉलेज एंड करिकुलम और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल स्टडीज, इन दोनों के महामैराथन अभी अपलोड होंगे एक ही वीडियो में, जो भी संभावित क्वेश्चन है उसको बना दिया गया है, उसको देखिए, शांति से देखिएगा, ऐसा नहीं कि बस हमें याद नहीं हो रहा, आराम से बस देखते हुए चले जाइएगा, समझ जाएंगे कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखना है, जाके छाप के आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है, इतना चिंता नहीं करना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, खुश रहिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, परीक्षा की चिंता अब करके कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेपर अच्छा होगा, आराम से जाइए, पेपर देके आइए, ठीक है, बातें होती रहेंगी, तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।